सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं जैशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। और वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि 22 जून तक तहकीकाती रिपोर्ट अवाम के सामने लाएंगे। हादसे की साफ और शफाफ तहकीकात होंगी, कोई अमल दखल नहीं होगा। हुकूमत जाँबहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देगी। इंश्योरेंस की रकम इसके अलावा होगी। जहाज गिरने की वजह से 10 घरों को नुकसान पहुँचा, जिनकी मरम्मत और तामीर मुकम्मल करके देंगे। 22 जून को आनी है, एक माह टाइम है। 22 मई का वाकया है, 22 जून को इब्तदाई इंक्वायरी आएगी। उनके लिए जी डबल सर्वे का कह दिया है और जल्द अज जल्द उन्हें कंपनसेट किया जाएगा और उनके घरों को बाकायदा ठीक ठाक करके उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन हर घर के डैमेज की नोयत है ना, उसको फिक्स नहीं है। हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द डेड बॉडीज उनके लवाहिकीन के हवाले हों और उसके साथ ही साथ इनिशियली 5 लाख कंपनसेशन जो कि ना होने के बराबर है। और कंपनसेट तो जाने वाले को किसी तरीके से किया ही नहीं जा सकता। अल्लाह ताला जाने वाले को भी कंपनसेट करे और उसके लवाहिकीन को भी कंपनसेट करे, लेकिन हुकूमत की तरफ से साथ ही साथ 10 लाख रुपए की कंपनसेशन। तो बाकी कंपनसेशन अंडर प्रोसेस है जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दी जाएगी। सहाफत से वाबस्ता नामवर शख्सियात शहीद अंसार नकवी से इजहार अकीदत कर रहे हैं। कोई शक की बात नहीं है कि अंसार नकवी साहब एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन दोस्त थे। और एक बेहतरीन इंसान वही होता है जाने के बाद भी जिसकी सोचें मौजूद रहें, जिसके ख्यालात मौजूद रहें। और अंसार नकवी साहब ऐसी शख्सियत हैं कि उनकी लेगेसी पाकिस्तान की सहाफत में मौजूद रहेगी कि मुश्किल तरीन हालात में भी किस तरह आज़ादाना और बेबाक सहाफत की जा सकती है। अंसार नकवी साहब मेरे उस्ताद, मेरे नाकिद, मेरे लाइफ लाइन। वो हमेशा कहते थे कि नजम सेठी शो इज़ माई बेबी, तो मैं उनको तंग करके कहती थी ये आपका बेबी बहुत नॉटी है, आपसे कंट्रोल नहीं होता। मेरी हर कदम पे उन्होंने मुझे सिखाया, मेरी हेल्प की। मगर मेरी उनके लिए जो मोहब्बत, इज्जत और अकीदत है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि चाहे आज़ादी सहाफत हो, सियासत हो, अकलियतों के हकूकों, औरतों के हकूकों, मैंने हमेशा उनको लकीर के दुरुस्त सिंध खड़ा पाया। बस एक मोती सी छब दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा ए शाम बन के आया, बरंगे खाबे सहर गया। अलविदा अंसार साहब। अंसार नकवी साहब बहुत सारे लोगों के लिए उस्ताद थे, मेहरबान दोस्त थे, शफीक वालिद की तरह थे, लेकिन मेरे लिए वो एक मशल थे, मशल राह थे। और मैं उनसे सीखता था और मैं उनसे गाइडेंस लेता था अपने करियर के अंदर, और मेरे करियर के अंदर, मेरी ग्रूमिंग के अंदर उनका बहुत हाथ है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, CEO अर्बन यूनियन खालिद शेरदिल शहीद की रिहाइश का गए और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू डॉक्टर राशिद भी उनके साथ थे। गवर्नर पंजाब ने शहीद के एहसाले सवाब के लिए फातह खानी और दुआएं मगफरत की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि खालिद शेरदिल मेहनती, फर्स्ट शनास और ईमानदार ऑफिसर थे। कराची तैयारा हादसा कौमी सानहा है जिस पर पूरी कौम अफसरदा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि एटमी धमाके करने का फैसला आसान नहीं था। गैर मुल्की दबाव के बावजूद मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। आज का दिन हम सब के लिए नाकाबिले फरामोश है। कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मौजूदा हालात में हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। मईशत मजबूत होगी तो कोई हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। आज का दिन हम सब के लिए 12 साल पहले के एक नाकाबिले फरमाइश, और उस दिन जब हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके कर कायद वजीर आजम मियां शरीफ ने 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान के हमेशा के लिए
तस्वीर बनाया के सब जानते हैं कि अरब डॉलर के मुआवजी पैकेज जो भारत से टकराया है। और लाहौर में यौमे तकबीर की तकरीब से खिताब करते हुए नून लीग पंजाब के सदर राणा सनाउल्ला का कहना था कि माजी में भैंस चोरी के भी मुकदमात बने, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तहजीब की तमाम हदें ही पार कर दी। हुकूमती नाकामियां गालियां देकर पूरी हो रही हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाका नबासी ने कहा कि बैरूनी ताकतें दबाव डालती थीं ताकि पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना बन सके, लेकिन हम डटे रहे। नून लीग को हर दौर में दबाव में रखने की कोशिश की गई। ये लोग जो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, ये इसलिए इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए थे कि इन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ को, उसकी फैमिली को जो है वो गालियां देनी है। टिड्डी दल का जो है वो पूरे मुल्क को तबाह कर रहा है। 100 के करीब लोगों का जो है वो सानिया जो है वो PIA के जहाज में हुआ है, लेकिन वो साहब जो कल बैठे थे वो सिर्फ वही बात शरीफ फैमिली को गालियां, किसी के ऊपर जो है को जो है वो हीरोइन डाल दी या कोई चर्स डाल दी या किसी के ऊपर कोई और चीज डाल दी या कोई भैंस का जो है वो मुकदमा दे। लेकिन अब तो उस सियासतदान को बड़ा ही गंदा और बड़ा ही घटिया समझा जाता है जो इस किस्म का काम करे। मुझे याद है कि जब भी हम अपोजिशन में रहते, दो दफा अपोजिशन में रहे, तो उस वक्त जो बैरूनी कुवती थी जो पाकिस्तान आती थी तो वो हम पर दबाव डालती थी अपोजिशन पर कि आप एटमी प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाएं। ये एक बड़ी अजीब बात थी कि पॉसिबली नूर पर दबाव रहता था कि एटमी प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाएं। DJISPR ने यौमे तकबीर पर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान ने 28 मई को कम अज़ कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। 28 मई को पाकिस्तान ने खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तर्जुमान पाक फौज ने अपने ट्वीट में कहा कि पाक फौज एटमी प्रोग्राम का तस्वुर पेश करने वाले से अमल दरामद तक शामिल तमाम अफराद को सलाम पेश करती है। उन साइंसदानों और इंजीनियर्स को खास तौर पर सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इसे यकीनी बनाया है। आपको बता रहे हैं, DJISPR ने यौमे तकबीर पर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान ने 28 मई को कम अज़ कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। 28 मई को पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तर्जुमान पाक फौज ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि पाक फौज एटमी प्रोग्राम का तस्वुर पेश करने वाले से अमल दरामद तक शामिल तमाम अफराद को सलाम पेश करती है। उन साइंसदानों और इंजीनियर्स को ख़ास तौर पर सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इसे यकीनी बनाया। ब्यूरो चीफ सगी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। सगी चौधरी, बताइएगा क्या पैगाम जारी किया गया है इस मौके पर? ये देखिए, 28 मई का वो दिन है जब पाकिस्तान ने जो है वो काबिले एतबार मगर कम से कम न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस की हासिल की। और पाकिस्तान की जानिब से 28 मई आज ही के दिन यानी 1998 को कामयाब किस्से के साथ जो है वो एक काबिले एतमाद जौहरी सलाहियत साबित करने की कोशिश की और एक कामयाब एटमी तजर्बा किया पाकिस्तान की जानिब से। ये कहना है DJISPR का और पाकिस्तान ने जौहरी सलाहियत के असूल से खत्ते में ताकत का तवाजन जो है वो उसको कायम किया। मुसल्ला अफवाज जौहरी अमूर में ख्याल से हकीकत तक शामिल अफराद को सलाम पेश करती है, ये कहना है DJISPR की जी। सगे चौधरी, बताएगा कि इस दिन के हवाले से क्या किसी तकरीब का इनेकाद भी किया गया था? जी, चूंकि आजकल कोरोना की वजह से जितनी भी तकरीबात हैं वो मनसूख हैं, अगर कोई तकलीफ होती भी है तो वो कॉन्फ्रेंस के जरिए होती है, तो कोई खास तकलीफ तो इस हवाले से सामने नहीं आई। तहम जो है वो DJISPR की जानब से इस खास दिन के मौके के हवाले से जो है वो बयान जरूर जारी किया गया कि पाकिस्तान ने जो है वो जौहरी असूल के लिए सलाहियत के लिए ताकत का तवाजन कायम किया और 28 मई 1998 को कामयाब जो है वो जौहरी सलाहियत हासिल करने किया। ठीक है सगी चौधरी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। DJISPR ने यौमे तकबीर पर ट्वीट किया है जिसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने 28 मई को कम अज़ कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। 28 मई को पाकिस्तान ने खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया था। पाकिस्तान जिंदाबाद। तर्जुमान पाक फौज ने अपने ट्वीट में कहा कि पाक फौज एटमी प्रोग्राम का तस्वुर पेश करने वाले से अमल दरामद तक शामिल तमाम अफराद को सलाम पेश करती है। उन साइंसदानों और इंजीनियर्स को ख़ास तौर पर सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इसे यकीनी बनाया था। DJISPR की जानिब से
ट्वीट किया गया है। मुसल्ला आफाज ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए किरदार अदा करने वाले हर फर्द बिलखसूस साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश किया है, जिनकी अनथक काविशों के नतीजे में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके खुद को जौहरी ताकत साबित किया था। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने यौम तकबीर के मौके पर अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाबी से एटमी तजुर्बात किए और अपनी कम अज़ कम जौहरी दिफाई सलाहियत का मुजाहरा किया। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान के एटमी धमाकों से खत्ते में ताकत का तवाज़ुन मुस्तहकम हुआ, जिसके लिए मुसल्ला अफवाज एटमी सलाहियत के हुसूल के लिए कोशिशें करने वाले हर फर्द को सैल्यूट पेश करती है, ख़ास तौर पर उन साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करते हैं जिनकी वजह से जौहरी ताकत बनने का ख्वाब हकीकत के रूप में सामने आया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर का कहना है कि चीनी माफिया के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिक करने पर हुकूमत के मशकूर हैं, काश्तकार और सारिफ का इस्तेहसाल हो रहा है। कहते हैं कि शुगर मिल्स फी किलो 1 रुपया कीमत बढ़ाए तो 5 अरब रुपए का आवाम पर बोझ बढ़ता है, काश्तकारों को सब्सिडी नहीं दी जाती मगर मच्छों को सब्सिडी दी जाती है। मनोवान अमल हो। वजीर आजम साहब से मैं कहूँगा, जनाब आप कदम बढ़ाए, हम काश्तकार आपके साथ खड़े हैं, सबसे बड़ी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है, आप ना हमारा इस्तेहसाल ना होने दे, हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इस वक्त देखिए ज़रात इतनी इंपॉर्टेंट है जी, अभी आपने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है, कोई बंदा रात को अल्हम्दुलिल्लाह भूखा नहीं सोया, उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल गया है, ये सिर्फ ज़रात की वजह से है, लेकिन इन लोगों ने ठान लिया ज़रात को तबाह करने के लिए, तबाही के दहाने पर ज़रात जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब आप ये देखें कि जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे, आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल $3 बिलियन का बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें $1.5 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं, हम रुई $3 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं, गर्जे के हम सब्जियां हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वजह हुकूमती तरजीहात में ज़रात नहीं थी। आप यकीन कर लें, मैं पिछले 7 साल से ऐवानों में जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, बाई गार्ड में खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हर जगह पर एक शिकस्त हुई है, वहाँ शुगर मिल जीती है। PTI रहनुमा खुरम शेर जमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में तौसी की तो मुखालफत करेंगे, 12 साल में सिंध की शुगर मिल्स को नवाजने का हिसाब देना होगा, पेट्रोल पंप, दूध, हजाम की दुकानें और ब्यूटी पार्लर खोले जाएं। एसेंशियल चीज़ें हैं, उसकी दुकानें क्यों बंद हो जाती हैं शाम 5 बजे? कोरोना वायरस अगर सूबे सिंध के अंदर बढ़ाया है और उसका फैलाव हुआ है तो उसका जिम्मेदार सबसे ज़्यादा मुराद अली शाह है, इस सूबे का वजीर आला, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ गलत हैं, उन्होंने टाइमिंग्स रखी शाम के 5 बजे सब बंद कर दो, पूरे रमज़ान के अंदर जो हालात रहे हैं उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, अगर SOPs फॉलो नहीं हुए, लोग निकले घरों से 12 बजे और शाम 6 बजे तक 5 बजे तक लोग भागे, मार्केटों में रश लगी और उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि वो इतना झमघटा लग गया, उसके ज़िम्मेदार आप हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, उसकी ज़िम्मेदारी आपके चमचों के ऊपर है जिन्होंने मुराद अली शाह साहब आपको अवाम की राय नहीं दी। मैं वंस अगेन ये बात कहूँगा कि हम किसी भी हाल के अंदर अगर आपने शहरी इलाकों के अंदर सूबे सिंध के अंदर मजीद लॉकडाउन की तरफ गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम आपके खिलाफ खड़े होंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में टिड्डी दल ने मकई की फसल तबाह कर दी, टिड्डी दल के अजाब ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया, किसान माली नुकसान पर परेशान और हुकूमत की जानिब से इकदाम के मुंतजर हैं। पंजाब के जनूबी शहरों सिंध बलूचिस्तान में टिड्डी दल ने मकई की फसल को तबाह कर दिया है, टिड्डी दल के अजाब ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है, जिस पर किसान शदीद परेशान हैं और हुकूमत की जानिब से इकदाम के मुंतजर हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, टिड्डी दल ने फसलों को चट कर दिया है और किसान माली नुकसान पर परेशान हैं। NDMA की जानिब से कहा गया था कि स्प्रे को मुमकिन बनाया जाएगा, ताहम हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह इंतजाम अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टिड्डी दल की यलगार है और फसलें टिड्डी दल चट कर गई है, जिस पर किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। खबर है कि महंगाई में पिसते आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की सहूलत भी ख़त्म कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी ख़त्म कर दी।
ये सब्सिडी माह रमज़ान में दी गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगाई में पिसते आवाम के लिए मजीद बोझ डाल दिया गया है। कुछ बात करेंगे मुल्की मईशत के हवाले से। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर मजीद कम हो गई है। डॉलर 1.06 रुपया महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। ईद की छुट्टियों के बाद पहले कारोबारी रोज़ मार्केट में डॉलर और दूसरी करेंसियों के मुकाबले में रुपया मजीद सस्ता हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर की कदर 1.06 रुपये इजाफे से 161.98 रुपये रही। यूरो की कदर 1.62 रुपये इजाफे से 178.15 रुपये और बरतानवी पाउंड की कदर 2.08 रुपये बढ़कर 198.46 रुपये हो गई। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 80 पैसे इजाफे से 161.80 रुपये हो गई। यूरो की कीमत फरोख्त 1.50 रुपये इजाफे से 176.50 रुपये हो गई। बरतानवी पाउंड की कीमत फरोख्त 1 रुपये की कमी से 199 रुपये रह गई। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अजलास हुआ, जिसमें मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ जारी तहकीकात में पेशरफ्त और मुलजिमान से लूटी दौलत की वापसी का जायजा लिया गया। पंजाब के 56 कंपनीज का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि नैब का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, नैब का मकसद करप्शन फ्री पाकिस्तान है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अजलास हुआ है, जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ जारी तहकीकात में पेशरफ्त और मुलजिमान से लूटी गई दौलत की वापसी का जायजा लिया गया। पंजाब की 56 कंपनियों का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इस मौके पर कहना था कि नैब का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा मकसद करप्शन फ्री पाकिस्तान है। उधर सरगोधा में हाथाई अदालत में दाने जंग बन गया। दो गिरोहों में तसादुम हुआ, जिसमें घूसों और मुक्कों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने दो अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। सरगोधा में अहाता अदालत में मैदानी जंग बन गया। दो ग्रुप्स में तसादुम हुआ, जिसमें घूसों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अगर आपको याद हो तो जब PMLN की हुकूमत आई थी 2013 में, तो उन्होंने पहले दिन उनके फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, जो कि आजकल मेरा ख्याल है मुल्क से भागे हुए हैं, बल्कि शायद खाकान अब्बासी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनकी बाहर जाने को फैसिलिटेट किया उन्होंने पहले दिन ही आते ही, अगर आपको याद हो तो IPPs को एक चेक के ज़रिए 486 अरब रुपए जारी किए। अब वो क्यों उसी दिन जारी किए, ये सारे सवालात इस रिपोर्ट में भी, जो कि सेनेट में हमारे कोलीग हैं सेनेटर PTI के मोहसिन अजीज़, उन्होंने इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की, जो ऑडिटर जनरल है उसने अपनी रिपोर्ट दी, और उन बाकायदगियों का बाकायदा तफसीलन फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताया कि किस क्या क्या उसमें घपले हुए। जाहिर है कि ये काम कोई वैसे नहीं करता कि पहले दिन आए और पहले ही दिन 486 अरब। इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उससे ये जाहिर होता है कि ये कोई मुफ्त उन्होंने काम किया नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कोई काम मुफ्त तो नहीं करते हैं, ये तो छक्के मारने के चक्कर में होते हैं, ये सिंगल नहीं लेते हैं। इसी तरह उनके जो शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि वजारत आजमा में आए एक्सीडेंटली, उन्होंने भी अपने अहद हुकूमत, जो कि बहुत ही थोड़ा अरसा रही, उसमें शुगर माफिया के लिए, क्योंकि जाहिर है कि शुगर माफिया को सरपरस्ती शरीफ फैमिली के पास थी, तो उनका एक बड़ा लॉयल या वफादार पार्टी के मेंबर होने की हैसियत से उन्होंने वो किरदार बड़ी अच्छी तरीके से अदा किया। उन्होंने शहबाज शरीफ के बेटे
सलमान शरीफ जो कि शुगर डैडी बन गए, वो शुगर डैडी ने फैसिलिटेट किया सारी जो उसमें मराहिल होते हैं सब्सिडी के देने के लिए, जिसमें कि कई उन पैमानों को नज़रअंदाज किया गया कीमतों के लिहाज से कि जो कॉस्ट प्राइस थी वो डिटरमिन होना थी, वो नहीं हुई कि जी आगे इसको थर्ड पार्टी को दे देंगे और वो कर लेगी। और उस वक्त जो अवेलेबल शुगर थी उसका कम हिस्सा एक्सपोर्ट किया, बजाय उस वक्त के जबकि कीमतें सबसे ऊंची थीं, मुल्क का फ़ायदा होता, एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता, उन्होंने अपने शुगर डैडी को खुश करने के लिए उन्होंने ये सब्सिडी दी। वफाकी वज़ीर तलाश शिबली फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चीनी कमीशन के हवाले से उनका ये कहना है कि ये रिपोर्ट सबके सामने है और इसमें तमाम लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं। उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून के जो वफाकी वज़ीर ख़जाना थे वो मुल्क से फरार हैं। इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इट नीड्स अ ग्लोबल सॉल्यूशन। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग दैट व्हेन द virus hit Pakistan and we did the lockdown, everything came to a standstill as it did in most economies of the world where they were trying to cope with the stopping the spread of the coronavirus. And when everything came to a standstill, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population. And the people affected in the non-formal sector of our economy, we in our country, out of a population of 220 million people, the vulnerable section of the society was almost 150 million people. Non-formal sector, daily wages, weekly wages, whose family depended upon them earning money so that they could eat. So we then started this big cash handout, one of the biggest programs in Pakistan's history. We doled out $8 billion to stimulate our economy and of course to give cash to the most vulnerable section of our society. But the problem was, and the problem is, we have falling exports, we have falling remittances. We were trying to big ambitious plans to revive our tourism sector. All this took a nosedive, and I know that this is the problem with most of the countries, but specifically the developing countries face this problem. To put things in perspective, the total amount of stimulus we could afford to give to our economy, and that was the biggest stimulus ever in our history, we managed to give $8 billion. And so when you compare it with countries like the United States, from what I heard, they're giving $3 trillion, Germany $1 trillion, euros, Japan $1 trillion. The developing world, we calculated, has given $7 trillion to stimulate the economy. And when you compare that with the developing world, unfortunately we do not have the fiscal space to revive our economy, to look after the most vulnerable section of our society. And in case of our country, we still have this huge ambitious program of fighting climate change by planting 10 billion trees. So all this money got diverted into dealing with the effects of the coronavirus lockdown. So all I want to say is that it is very important for the developing world to, at this critical juncture, look after the people of the developing world, which are struggling. When I spoke to the prime ministers of Ethiopia, of the president of Egypt,
Prime Minister of Nigeria. All of them are facing similar problems to what we are facing. And therefore, I really welcome the G20 for taking this big initiative of giving debt relief. But bear in mind, this really has to be thought through. This stimulus, this help to the developing world, I'm afraid has to be much bigger than so far it has been envisaged. Because, you know, you have the developing world, but 1.5 billion people. You have, the developed world, but you're the developing world with a population of 6 billion people. Unless the problem is dealt with holistically as a global problem with global solutions, the world is not going to recover from this recession if the bigger part of the world's population is wallowing into poverty. So therefore, I again, Mr. Secretary General, I congratulate you. I think this is again a great initiative. I want to, again, Prime Minister Trudeau, to you and the Jamaican Prime Minister, again, I want to say that this is, please pursue these initiatives. It is very important that the world, which became insular when COVID-19 hit the world, it's very important that the world now looks at this whole issue globally. And therefore, I'm sure if developed countries put their minds together and treat this as a global situation, I think that we will all come out of it unscathed. Right now, things look bleak, but I think if we deal it as a global issue, I think that the world will come out of it. Thank you very much. وزیر اعظم عمران خان ورچوئل اجلاس سے خطاب کر رہے تھے انتونیو گوتریس یو این کے سیکرٹری جنرل اس کے علاوہ کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو اور جمیکن وزیر اعظم کی میزبانی میں یہ ورچوئل اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے کرونا وائرس کے بعد کی صورتحال اور جو ملکی دنیا کی معاشی صورتحال ہے اس پر بات چیت کی گئی ہے